अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा तहसीन तहसीन रिएक्शन। रिएक्शन। एवरीथिंग इज रेडी एट इस्तांबुल एयरपोर्ट फॉर सेफ ट्रेवल्स। तो बहुत ज़रूरी है बड़े, क्योंकि आजकल जो कोविड की वजह से मसले चल रहे हैं तो एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग काफ़ी रश होता है, एक जहाज़ के अंदर काफ़ी लोग होते हैं तो उनके ऊपर तो काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है। तो हमें एक लिंक मौसूल हुआ, कहा गया कि इस्तांबुल एयरपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काम किया है और बड़ा ही सेफ़ इसको बना दिया है जर्नी को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको फ़ौरन देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन चैनल से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या दिखाया गया है। ये पूरे एयरपोर्ट को दिखाया गया है। कितना बड़ा है हाँ, रीयूनाइट। अच्छा 50%। अच्छा, यानी कि आधे फिफ्टी आधे लोग परसेंट बिठाए हैं। हाँ ये बस है। ये आगे भी उसके वो लगा हुआ हाँ, वाह, ठीक है, मास्क। मास्क। थर्मल थर्मल कैमरा कैमरा स्कैनिंग भी स्कैनिंग, हो रही है वाओ। कि किसी को बुखार तो नहीं है। हाँ, स्पेशल सैनिटाइज मैट, मैट सैनिटाइज पैर मैट। पैर जो जहां पर रखे ना नहीं पैरों के नहीं साथ, डिफरेंस इतना होना चाहिए, इतने लंबे छलांग तो नहीं मार सकते। हाँ, रिक्लेनिंग। ये तो मस्ट है। ये जो आगे उन्होंने किया हुआ ना सफर करने का। यूवी उसके ऊपर, लगेज के ऊपर भी कोई वायरस ना हाँ, हो। कॉन्टैक्ट वाह, लेस कंट्रोल है, कॉन्टैक्ट लेस। हर चीज एडवांस देखे। सब जगह डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, हाँ, सैनिटाइजर। डिस्पेंसर लगे हुए हैं। प्लेक्सी ग्लास शील्ड्स हैं, वाह। अपने अपनी जगह पे उल्टे मुंह खड़े हो जाते, जिस तरह पैर बने वैसे हाँ खड़े वैसे हो। खड़े हो जाए। 100% फ्रेश फ्रेश एयर एयर, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बेसिकली एयरपोर्ट पे वो होता है ना, सारा बंद होता है। हाँ, तो उन्होंने वो लगाया नहीं उसके अंदर जो हाँ, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये ऑफिसर्स वहां के स्मार्ट स्मार्ट। स्क्रीनिंग हेलमेट। अच्छा, वो उसके वाओ, अंदर भी हेलमेट लगा हुआ है, जिसमें किसी को अगर टेम्परेचर होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, सिंगल पर्सन आएगा, चेक इन करेगा, जाएगा। ई पास पर यूवी सैनिटाइजर के लिए पासपोर्ट पास भी तक। सैनिटाइज हो रहा है। कॉन्टैक्ट लेस कंट्रोल। लाउंज, हाँ, खाना भी उनके ऊपर शॉपरों में पैक है, पैक हुआ दूर एक दूर से। से लगे हुए हैं देख बैठ के। ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती हैं एयरपोर्ट पे, यूवी डिसइंफेक्शन। मूविंग वॉकवेज। अच्छा, हाँ, डिसइंफेक्शन मूविंग वॉकवेज है। इस्तांबुल, रोबोटिक क्लीनर, खुद ही रिपोर्ट क्लीन वाह, करता है। उनके ऊपर भी वो हाँ, ट्रॉलीज पे भी लग रहा है, स्क्रीन पे भी लग रहा है, बार बार हर जगह पे स्प्रे हो रहा है। हाइजीन जीन टीम, टीम। उठ जा, लेकिन उठे दूर होकर बैठ। सही है, हर चीज, सब हाँ, जगह सब पे स्प्रे वो हो रही स्प्रे है, हो रही है। सोशल सोशल डिस्टेंस डिस्टेंसिंग। वार्निंग, हाँ यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं हाँ बैठना। देखिए वो था कि अगर आप रश से ज्यादा है तो इतने इतने दूर खड़े होना है, हर जगह पे स्टेप्स लगा रही स्टेप्स हैं। लगा दिए। हेल्थ कंट्रोल, हाँ, कोविड नाइन कोविड-19 टेस्ट। टेस्ट, पीसीआर टेस्ट फॉर अराइविंग पैसेंजर। अच्छा, उधर ही हो रहा है अराइविंग के हाँ भी। हाँ होता है ना, वहाँ पर भी होता है। वाह, इस्तांबुल एयरपोर्ट, वाह, वाह, बहुत अच्छा, परफेक्ट, ऐसे अगर हर एयरपोर्ट पे हो जाए तो कोविड तो कैसे फैलेगा, पॉसिबल ही बिल्कुल। नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोल अगर आपने कर लिया चीज़ के ऊपर। मैं टेक्नोलॉजी देख के हैरान हो रहा था कि यूवी के जो जितने भी थर्मल जो उन्होंने चीज़ बनाए हुए थे, एक तो यूवी के ज़रिए वो क्लीन भी कर रहे हैं हाँ, और साथ थर्मल से वो आपका बुखार भी चेक कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल में जो जो चीज़ें दिखाई हैं,
तो ये सेफेस्ट एयरपोर्ट है मेरे ख्याल में अब तक का हाँ जो उन्होंने काम किया, बाकी इस्तांबुल जो है वो रेडी है। क्यों फिर अब? बिल्कुल, बहुत अच्छा था, हर चीज़ उन्होंने देख ले, हर चीज़ परफेक्ट दिखाई हुई कि हर चीज़ जगह पे चेकिंग हो रही है, यहाँ तक कि जो कार्ड भी स्वैप करते हैं या पासपोर्ट भी है वो तक जो है सैनिटाइज हो रहा है। सिर्फ एयरपोर्ट पे नहीं, मेरा तो मैसेज ये भी है कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे सब कुछ इकदाम उठाने चाहिए। कोशिश करें मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथों को धो लें और रश वाले एरिया में मत जाएं, और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से ना निकलें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच जिन्होंने हमसे लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करे। इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Hold up.